नमस्ते जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज मैं आपको दो तरह का ध्यान सिखाऊंगा, बहुत विचित्र, बहुत अजीब ध्वनि तरंग के साथ ध्यान करना। ये दोनों ही पार्ट लामा फेरा का है। लामा फेरा में हम इस तरह का ध्यान करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे ध्वनि तरंगों के साथ हम ध्यान करते हैं। ये एक मेडिटेशन बाउल है जिसे हम अपने सर पर रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से इसे बजाएंगे, और इसके साथ हम अपने कंठ से सिर के ऊपर वाइब्रेशन को पहुंचाते हुए एक भ्रमर की आवाज़ निकालेंगे। हम इस तरह से ये पूरा मेडिटेशन किसी खुले वातावरण में, जंगल में, या किसी डार्क कमरे में, या जैसे कि मैं जब हील करता हूँ तो मुझे ये नीले रंग, डार्क नीला रंग जो मुझे सबसे ज़्यादा फेवर करता है, ये कलर के साथ मैं जब हील करता हूँ, किसी को हीलिंग देता हूँ, अपनी हीलिंग प्रैक्टिस करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो मैं इस कमरे में करता हूँ। इसको अलग से प्रॉपर डिज़ाइन किया गया है मेरे लिए, मेरे अनुसार। आपके लिए ये कुछ भी हो सकता है, एक खाली कमरे में भी कर सकते हैं, आप किसी नदी या किनारे या पहाड़ के आसपास भी जाके कर सकते हैं। प्राचीन लामा पहाड़ और नदी के पास करते थे। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जहाँ पर आप इस ध्यान को कर रहे हो वहाँ पर लोभान जल रहा हो, मतलब कि तो जब भी इस तरह का ध्यान हम करते हैं हमारे पास लोभान का जलना बहुत आवश्यक है। ये आपके आसपास के वातावरण को पवित्रता देता है, और उसी पवित्र वातावरण में ही आप इस ध्यान को करें। ये आपको एक अलग लेवल पर, ऊंचाई पर लेकर जाता है, क्योंकि ये लामा फेरा का ध्यान है। किसी वस्त्र में पहन सकते हैं, लेकिन लामा फेरा के वस्त्र के साथ, पूरी पोशाक के साथ अभी से करें तो ये सबसे बेहतर होगा। समझिए कि कैसे हम इस ध्यान को करते हैं। सबसे पहले लामा फेरा का वस्त्र, लामा फेरा की इस पूरी पोशाक के साथ हम इस ध्यान को करते हैं। यहाँ पे हमें इस देवी छड़ी की आवश्यकता नहीं है इस पूरे ध्यान में, लेकिन क्योंकि मैंने पूरी पोशाक पहनी इसलिए छड़ी मेरे हाथों में होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसे साथ में लिया। और अब सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि इस ध्यान के करने के लिए सबसे जो उचित, सबसे उच्चतम, सबसे सही जो अवस्था है वो लामा फेरा के इस पूरे पोशाक के साथ है। लेकिन इसका कहीं भी यह अर्थ नहीं है कि आप इसे अपनी नॉर्मल या रेगुलर पोशाक में, या नॉर्मल जो जिसमें ध्यान करते हैं उस पोशाक के साथ आप नहीं कर सकते। बिल्कुल आप कर सकते हैं। इस बाउल को हम बिल्कुल अपने सिर के बीचों बीच रखते हैं। Thank you.
Thank you.
तो इस प्रकार से ये ध्यान पूरा हुआ हमारा। ताई ची लामा फेरा हाई फ्रिक्वेंसी मेडिटेशन इसे नाम दिया गया है, और हम इसे प्राचीन लामा फेरा की भाषा में ध्वनि तरंगों के साथ ध्यान या ध्वनि साधना भी कहते हैं। ध्वनि साधना कहें, प्राचीन नाम है, बाकी आप जो नाम इसे बुलाना चाहें बुला सकते हैं। और अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि उस टाइम तो मैं काफ़ी डीप चला गया था। ये जो मैं यहाँ बैठा हूँ, कई घंटों बाद, मतलब दोपहर के लंच के बाद शाम को बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट हाफ उस ध्यान में जाने के बाद शरीर और मन पूरी तरह से डूब जाता है और उस आनंद से हम बाहर नहीं निकलना चाहते। आपको देखने के समय भी हो सकता है बीपी हाई फील हो, सर में दर्द वाली फीलिंग आए, क्योंकि अभी आपका अभ्यास नहीं है, लेकिन ऐसे अभ्यास आपको लामा फेरा में करने होंगे, जिससे आपकी शक्ति और बढ़ेगी, आपके साधना का बल और बढ़ेगा। और मज़े की बात यह है कि ये करने में देखने वाले को हो सकता है थोड़ा भारीपन लगे, लेकिन करने वाला आनंद की अलग अनुभूति में पहुंच जाता है। लामा फेरा मास्टर लेवल में ऐसे बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। ध्वनि साधना को और आगे लेवल तक लेकर के गया जाया गया है, जिसको सीखने के समझने के बाद लामा फेरा हीलर की शक्ति नेक्स्ट लेवल होती है। मतलब सब ध्यान को सीखने के लिए, इन सब रिचुअल्स को सीखने के लिए लामा फेरा मास्टर की आपको साधना करनी चाहिए, सीखना चाहिए। लामा फेरा को और अच्छे से समझने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर कॉल करके हमारे टीम मेंबर से बात कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले अध्यायों में बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखना बाकी है। तब तक के लिए नमस्ते अजी।